जो मीनिंग ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, लिटरेरी मीनिंग ऑफ इंडियन कंसेप्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में से एजुकेशन के मूल शब्द में से जो मीनिंग निकलते हैं, मूल शब्द और मीनिंग जो निकलते हैं उसका जो लर्न कर चुके हैं, उसकी एक्सटेंडेड एक्सरसाइज, उसकी थोड़ी कन्फ्यूजन डालकर उसको रिमूव करेंगे, ये समझेंगे। सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम्फेसिस ऑफ वर्ड विद्या इन इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, इन एजुकेशन। फर्स्ट है नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, वोकेशनल स्किल, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है क्योंकि ये रेलिवेंट ही नहीं बनते। अब ये है कि ये नॉलेज क्या है, नॉलेज इसका मीनिंग हो जाए या स्पिरिचुअल विजडम होगा, इस पर दोबारा बार बार क्वेश्चन होंगे। राइट आंसर यहाँ पर ये है, ज्ञान और अध्यात्मक ज्ञान। अगर ये विद्या आता है तो पहला इसका अगर मीनिंग विड में से, ये जो संस्कृत धातु में से निकला है, तो इसका पहला मीनिंग ये है। लेकिन नॉलेज, नॉलेज को बाद में हायर नॉलेज की तरफ लेके जाते हैं इंडियन मीनिंग। व्हाट डज टर्म अध्ययन, अध्ययन दूसरा एक शब्द था, इसका मीनिंग क्या है? फोकस इन इंडियन लैंग्वेज, एक्वायरिंग ट्रेडिशनल स्किल, एंगेजिंग इंटेलेक्चुअल एंड परस्यूट्स एंड स्टडीज, परस्यूइंग आर्टिस्टिक टैलेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये मेरे ख्याल में अध्ययन का अगर ट्रांसलेट ही आप करते हो तो स्टडीज, यहाँ से राइट आंसर मिल जाता है आपको, अध्ययन। ये हिंदी में उसका साफ उत्तर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसके बेस पर बनाए गए हैं। व्हाट डज द संस्कृत वर्ड विद्या रिप्रेजेंट फ्रॉम द नॉलेज, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल, स्पिरिचुअल विजडम। अब यहाँ पर अकेला स्पिरिचुअल विजडम है, वहाँ पर नॉलेज अगर आता है वो भी ठीक है, स्पिरिचुअल अगर दोनों आते हैं तो भी ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर स्पिरिचुअल विजडम है। विच टर्म एम्फेसाइज नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो स्पिरिचुअल विजडम, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर यहाँ क्लियर है, विद्या। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इटिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ टर्म्स शिक्षा अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन एजुकेटर्स। शिक्षा का ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड वर्बल रूट बिड, नहीं यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि बिड जो है विद्या से मिलता है, यहाँ पर हमने गलत कर दिया कि विद्या से रिलेटेड है, इसके बेस पर ये रॉन्ग हो गया। ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्बल रूट शश, ये शिक्षा से मिल रहा है, इसको अपना सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो पहले वाली वीडियो है उसमें ये एक्सटेंडेड मीनिंग नहीं बताए गए। शश का मतलब यहाँ डिसिप्लिन, टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट, ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर ये है, ड्राइव फ्रॉम वैदिक हाइम्स, बाकी गलत है सारा। हिंदी में भी ये आगे चलते हैं यहाँ पर, तो भी संस्कृत का मौखिक धातु शस से व्युत्पत्त, जिसका अर्थ है अनुशासन देना, सिखाना और निर्देश करना। व्हाट डज टर्म उपन्याना इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर सिग्निफाई द कॉन्टेक्स्ट इन एजुकेशन, उपन्याना का मतलब क्या है? दो तीन क्वेश्चन इसी पर उल्टा के बनाए हैं। शब्द अध्ययन, यहाँ शब्द गलत हो सकता है, ये इंग्लिश वाले मीनिंग जो ठीक है। इनिशिएशन सेरेमनी फॉर टेकिंग ए जॉब, सेरेमनी फॉर मैरिज, सेरेमनी फॉर एजुकेशन मीनिंग टेकिंग नियर द टीचर, तो ये सबसे ज़्यादा हमें राइट आंसर की तरफ लेके जाता है, इसको टिक करेंगे राइट आंसर। रिचुअल फॉर एग्रीकल्चर, तो एजुकेशन का है, एजुकेशन से मिलेंगे। ये डिस्ट्रक्टर मैंने ईजी डाले हैं, लेकिन वहाँ इतने ईजी डिस्ट्रक्टर नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा में कौन सा समारोह शिक्षक के अपने निकट ले जाने की अवधारणा से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर उपन्यान अभी बात करके आए, उसका दूसरा क्वेश्चन ये बनाया है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन एजुकेटर, व्हाट डज द टर्म विद्या रिप्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? रोट लर्निंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड टू नो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यहाँ पर ये हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल को एकदम, ये प्रैक्टिस नहीं है, स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, लेकिन ये नॉलेज इसका बिड का, बिड से निकला है ना, बिड का मतलब है टू नो, तो ये यहाँ पर है, टू नो यहाँ पर है, है ना, राइट आंसर ये हो गया। ओके, व्हाट डज संस्कृत वर्ड विद्या मीन्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन डिफरेंट है। अब ये देखिए, विद्या का मतलब क्या है? एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट,
अब यहाँ नॉलेज है, पीछे यहाँ पर नॉलेज का राइट आंसर था, लेकिन यहाँ पर नॉलेज का क्वेश्चन मार्क हो गया। कारण क्या है कि उससे बेटर ऑप्शन पड़ी है इल्यूमिनेटिंग नॉलेज दैट लिबरेट्स फ्रॉम इग्नोरेंस, तो ये स्पिरिचुअल हायर मीनिंग हो गया। मैं ये कह रहा हूँ नॉलेज उसका लिटरेरी मीनिंग था टूपिड का, लेकिन हायर नॉलेज और हायर नॉलेज को जो लिबरेशन की तरफ लेके जाए, दैट इज वाई राइट आंसर यहाँ पर ये होगा होलिस्टिक एजुकेशन। अच्छा ये भी कंफ्यूज कर सकता है, नॉलेज टॉट इन एंशियंट इंडिया, यहाँ भी नॉलेज है, तो ये बेटर क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। किसी अवधारणा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, प्रकाशमान ज्ञान जो अज्ञान से मुक्ति दिलाता है, दिस इज द सेंट्रल मुक्ति देता है। समग्र शिक्षा प्राचीन भारत में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान है ना। नेक्स्ट है व्हाट डज सा विद्या या विमुक्ते, अपने जो बीएड डीएलएड एमएड कुछ भी कर रहे हो उसमें ये कोटेशन दे सकते हो, सा विद्या या विमुक्ते, रियल विद्या कौन सी है जो मुक्त कर दे। नॉलेज इज पावर, नॉट नॉलेज इज लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, ये है शिक्षा अज्ञान से मुक्ति है। राइट आंसर यहाँ पर बी है ये वाला। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, लर्निंग लीड्स टू एनलाइटमेंट है ना। What does विद्या literary mean? Literary meaning अब पूछा गया है, knowledge यहाँ पर है, अब knowledge को नहीं आपने टूट पड़ना, ये देखना है कि वेदों का ज्ञान, knowledge of Vedas, that which lightened up or illuminates a form of ancient dance, नहीं wisdom of the ancient texts, अब ये यहाँ wisdom भी आया है, ये attract कर सकता है, ये attract कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वह प्रकाश जो रोशनी या रोशनी जो मुक्ति देता है, यहाँ पर मुक्ति नहीं है, लाइट्स अप और इल्यूमिनेट्स, ये राइट आंसर है विद्या के। अब विद्या टर्म के ही कितने मीनिंग बन रहे हैं, तो ये थे जो एंशियंट जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो लिटरेरी मीनिंग थे डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेज में से। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेशंस पर होगा, इंडियन थिंकर्स फिलोसोफर एजुकेशनर्स की डेफिनेशन जो हैं उनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, गांधी पर, विवेकानंद और अरबिंदो पर, नॉर्मली इन पर आते हैं, तो वो सारे ही डिस्कस करेंगे। दूसरा वेस्टर्न थिंकर के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।